हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती, तो आज आपको फिर से व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ, और कल तो हमारे भाई जी आए नहीं थे, पर आज तो आएंगे आई होप, क्योंकि घर का काम और खाना सब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, इसलिए अभी रूम में थोड़ा सही कर देती हूँ, बाकी फिर सबको उठाती हूँ। यूँ भी कह सकते थे उसने फेंका नहीं है, वो रख के गई है ऐसे। हाँ, पर तुमने मेरी साइड नहीं ली। इतनी बोले ननंद है, बस चुपचाप बैठी रहती है, बस सो जाओ भी करती है। आपके आप तो आपके लिए अच्छा लेके आए, और मेरे लिए एक चॉकलेट ही लेके आए सिर्फ। हाथ डालना पड़ता है, सिंह दो ना। शिवा जी, आपने हमको सिंह नहीं दी, आपके भाई को सिंह दी, ये देखो चली गई। बिना दी आपका डब्बा खाली हो गया है चॉकलेट का। ये सिंह मैं भी तगड़ा के, मैं तो 5 मिनट तक खाऊंगी ये सिंह पूरी। हाँ, खाली पैकेट दिया है, वो भी देखो। अच्छा दिए बिना दीदी दे दो, एक 10 मिनट तक खाऊंगा। सबके ब्रेकफास्ट हो गया है, फुल पाड़ा मस्ती हो करके। ए ध्वनि, नानी को जान, नाना का फोन आ रहा है। तो भाई बहन तो बाहर बैठे, भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कन्वर्सेशन चल रहा है भाई? अच्छा मस्ती टाइम सबका ओवर हो चुका है, और अब हो रहा है रेडी होने का टाइम। सब जने नहा रहे हैं, और हम मम्मी तो पूजा कर रहे हैं, मैं इधर खीर का वो रख दिया है, खीर तो मम्मी बनाएंगे, सिर्फ उबालने के लिए रख दिए। इधर दाल बॉईल हो रही है, पूड़ी का आटा बांध दिया है, आज खीर पूड़ी बना रहे हैं। कंप्लीट देसी स्टाइल खाना जो हमारे घर पर बनता है। ये बिना दी ना के तैयार, मस्त लग रहा है बिना दी कुर्ता, अच्छा लग रहा है। पोटी लेके भी मस्त लग रही है नीचे। तो हम सब जने हो गए हैं रेडी, और यहाँ पर मम्मी ने खीर कंप्लीट बना दी। अब मसाला घोट के अंदर डालेंगे। ये मसाला फूटा है, जायफल, जावत्री, इलायची। हाँ, ये डाकू आ रहे हैं वहाँ से, डाकू मंगल सिंह। मम्मी हाथ भरी है, क्या चाहिए शिवा बिना हाँ लो फोन दे दो, अभी सब छूट जाएगा। और ये उसके बच्चे हैं, और ये अंगूर हैं। हाँ, ये नौकरी है, नौकरी नहीं हो, मुझे कब बोला? मुझे तुम बना नहीं करते हो खाना, ठीक है? हाँ हाँ शिवा जी, आपके घर आके हमसे तो अभी क्या कर आज का हमारा खाना कुछ ऐसा है, पूड़ी, दाल, खीर। और अभी मैं, मम्मी, भाभी तीनों जने यहाँ पर लंच करने बैठे हैं। सब जनों ने खा लिया है, बच्चों से लगाकर बूढ़ों ने, सब ने खा लिया, हम बाकी हैं तीनों। सब ने खाना तो खा लिया है, हम सब जने बैठ के मस्ती से बातें कर रहे हैं। नींद सबको थोड़ी थोड़ी आ रही है, पर बातों से ही पेट नहीं भर रहा है, इसे सब जने बातें ही किए जा रहे हैं। और बाहर आके मैं देख रही हूँ मिस्टर तो कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी नाश्ता लेके आए। तो आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस लुक सो गुड। अब ये स्लीपर कैसे हैं? जोरदार के अच्छे, काफी कंफर्टेबल। लाउंज तुम इधर हो, तुम्हारा कुछ तो लॉक कर दे। चुका मैंने आई भी नहीं हूँ, ऐसे दिख रही हो आप, मुझे मेरे फोटो खींचने, क्या बोलूँ मैं आपसे? चुका पे खींच रहे चुकू मेरे फोटो, इनके कैमरे का ट्रायल कर रहे हैं, और मुझे मॉडल बना के खड़ा कर दिया है, और मैं ज़बरदस्ती व्लॉग कर रही हूँ इनके सामने। तो अभी हम जा रहे हैं बिना दीदी की शॉपिंग करने, नव पंचायत ज्वेलर्स। तो चिकू तो बाहर ही है, फोटोग्राफी कर रहे हैं, चिकू को भी उठा करके लेके जाते हैं। यहाँ पे बिना दीदी का फोटोशूट हो रहा है, और यहाँ पे फोटोग्राफर साहब बैठे हुए हैं। आया कि नहीं आया? देखो तो क्या
टाइम फोटो करने वापस थैला लेके आए हो वो शॉपिंग करने इधर आ जाओ सीधे सीधे अंदर ही चलो ना ये थैला ले मैं तो सोई थी तो तू इतना झूठ क्यों बोली ऐसे बहुत झूठ है झूठ ही झूठ है बिना दीदी के शॉपिंग हो गई है बिलिंग हो रही है बिना दीदी हां ये भाई पे भरोसा है कि नहीं ग्राहक वाली सेट लगाई गई है कि बहन वाली बहन वाली ये व्लॉग में सबूत है पापा वाली फ्री वाली ये कान वाले लिए बिना दीदी ने नव पंचाल ज्वेलर्स से पूरी शॉपिंग करके बिना दी निकल चुकी है ये मत सांग रही राघवी एमस राघवी तो अभी हम जा रहे हैं भाभी के वहाँ पर शॉपिंग करने सब जगह पे शॉपिंग हो गई है एनपीजे से भी कर लिए शॉपिंग अब जा रहे हैं हिनाया हथकरघा बता दो अपने नौपंचा ज्वेलर्स का पर्स भाई इसको भाभी है यही आरोटा दो यार या भाभी इसको सब जने तो कर रहे हैं शॉपिंग और मैं जा रही हूँ अभी शॉप करो क्योंकि शॉप करो पर है कस्टमर तो मुझे काम है तो मैं जा रही हूँ अभी और कोई रखने ऐसा नहीं है चिकू को ही बोलना पड़ेगा मुझे तो अभी चिकू मुझे आ रहे छोड़ने के लिए चिकू घर पे आ गए थे घर पे रेस्ट फरमा रहे थे कैमरे के साथ खेल रहे थे आज कैमरा डे बन गया है मम्मी जा रही है भाभी के वहाँ लाइटें नहीं होने की वजह से हाल बेहाल है क्लाइंट भी बेचारे परेशान हो गए मैं भी हो गई आधा अधूरा काम छोड़ के जा रही हूँ घर पर जाती हूँ यार बहुत गर्मी है अभी हम बिना दीदी और सब जने बैठे थे पुराने घर पे और अभी जा रही हूँ मैं घर पर और घर पर जाने के बाद अब डिनर की तैयारी करते हैं जो पाव भाजी का प्लान कल कैंसिल हो गया था उसको तो आज कंप्लीट रेडी कर देंगे क्योंकि बच्चे बड़े भूखे हो गए पाव भाजी के लिए ये बड़ा बच्चा तो बहुत ज़्यादा भूखा हो गया बस और शुआ भैया मेरे पार्सल भेजना है वो किसी के साथ भेजूँ नवम्बर कितने बजे का बुक करना है घर पर आने के बाद मेरे पाव भाजी अभी बना रहे हैं हम सब जने मिल के और पाव भाजी की तैयारी कुछ इस प्रकार है आपको मैं दिखाती हूँ पाव भाजी का मसाला यहाँ पर रेडी हो रहा है यहाँ पर सब्जियाँ बॉईल हो रही हैं और ये पाव उधर कोने में पड़े हैं जैसे ही मसाला यानी बॉईल सब्जियाँ इसके अंदर जाती है फिर एक एक पाव सेकेंगे और फिर बच्चों को खिलाते बच्चों को बड़ी भूख लग गई है हम सबका खाना हो चुका है और अभी हम सब जने मिलके करेंगे बहुत सारी बातें तो यहीं पर कर दीजिए व्लॉग का एंड अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाय